नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ राजमोहन तिवारी। तो बिहार विधानसभा चुनाव के नामांकन का जो दौर है वो अब अपने आखिरी पड़ाव में है। दो चरणों का नामांकन खत्म हो चुका है, आखिरी यानी तीसरे चरण का नामांकन चल रहा है। इसी दौरान आज हम बात करेंगे सुगौली विधानसभा सीट की, क्योंकि इस सीट से आज राजद के प्रत्याशी शशि सिंह ने अपना नामांकन पर्चा भरा है। नामांकन पर्चा भरने के बाद उन्होंने सीधे सीधे एनडीए के प्रत्याशी पर बड़ा आरोप लगाया है और उन्हें एक्सपायरी भी बताया है। पहले आप सुन लीजिए शशि सिंह को। बहुत सारे मुद्दे हैं चुनाव के लिए। 15 वर्षों से सहनी जी जो है सो वहाँ के विधायक हैं, किसी भी मुद्दा पर वो आज तक खड़ा नहीं उतरे हैं। न विकास हुआ है, न रोड का समस्या ठीक हुआ है। आपसी तनाव हमेशा बना रहता है और उनको जनता नकार चुकी है। इसलिए हमको राजद जो है महागठबंधन मान सम्मान दिया है और हमको वहाँ लड़ने के लिए सही उम्मीदवार के रूप में घोषित किया है, इसलिए मैं वहाँ जा रहा हूँ। तीन बार से वो जीतते आ रहे हैं रामचंद्र सहनी और उनके अपने पार्टी ने टिकट काट दिया और उसी घटक दल से फिर वो चुनाव मैदान में है। अरे रामचंद्र सहनी जी तो एक्सपायर ही दवा है, वो तो एक्सपायर हो गए हैं ना। उनको तो बीजेपी जब एक्सपायर कर दिया तो उनके घटक दल मैंने पता एन कैन प्रकार ने उनको फिर टिकट मिल गया है। जो एक राष्ट्रीय दल है उनको जो है जब एक्सपायरी घोषित कर दिया तो दूसरे दल को फिर उनमें डेट बदलने का उम्मीद कहाँ से आ गया। इसलिए उनका कोई डिमांड नहीं है, जनता उनको नकार चुकी है। उनके प्रत्याशी रहने से हमको कोई चिंता और कोई फिक्र नहीं है। जो आप राजद ज्वाइन किए चुनाव से जस्ट कुछ दिन पहले, तो ज्वाइन करने का कारण क्या था? क्या बुलाकर ज्वाइन किया गया कि आप चुनाव लड़ने के लिए उसमें ज्वाइन? नहीं नहीं नहीं, विगत 2019 के एमपी के चुनाव के बाद राष्ट्रीय जनता दल के कुछ कोर कमेटी बनाई गई, उसमें पूरा 243 विधानसभा में सर्वे साल भर से चलाया जा रहा था। किस कैंडिडेट को देने से कहाँ का सीट मेरा निकलेगा, कौन आदमी सही होगा, इसका जो है सो पूर्ण रूपेण सर्वे कराया गया। और इसके पूर्व में मैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लड़ा था, इसमें मुझे वोट आया था, उस आधार पर मुझे दिया गया। और जदयू में मैं 10 साल से हूँ, लेकिन उसमें काज करने वालों का कोई पूछ नहीं है। उसमें कान में जो फूकेगा और जो चमचाई करेगा उसी नेता का जो है सो वहाँ चलती रहेगा। इसीलिए मैं जदयू छोड़ के और आदरणीय लालू जी के कहने पर मैं राजद ज्वाइन किया और मैं आज प्रत्याशी के रूप में आप लोगों के बीच हूँ। तो अभी आप सुन रहे थे शशि सिंह को, जो कि राजद के प्रत्याशी हैं सुगौली विधानसभा सीट पर। लेकिन अब हम बात कर लेते हैं उनके विरोधी खेमे की भी, कि इस बार एनडीए से कौन प्रत्याशी है। तो एनडीए से यह सीट गई है वीआईपी के कोटे में। हालांकि 2005 से लगातार इस सीट पर बीजेपी जीतते आ रही थी। रामचंद्र सहनी पिछले 15 सालों से यहां से बीजेपी के तरफ से कैंडिडेट थे और जीतते आ रहे थे, वर्तमान में विधायक भी हैं। लेकिन इस बार यह सीट चली गई वीआईपी के कोटे में, वही वीआईपी जो पहले कुछ दिन पहले तक महागठबंधन का हिस्सा थी, लेकिन सीट बंटवारे को लेकर वो एनडीए में शामिल हो गई। लेकिन उसके बाद उसे 11 सीटें दी गई, उसमें एक सुगौली विधानसभा सीट भी थी। लेकिन मुद्दा यह है कि यहाँ से वीआईपी ने किसे कैंडिडेट बनाया है। कैंडिडेट यहाँ से वीआईपी ने रामचंद्र सहनी को ही बनाया है, जो अब तक की बीजेपी के तरफ से चुनाव लड़ते आ रहे थे और जीतते आ रहे थे। वीआईपी के कोटे में जाने के बावजूद यह सीट किसी वीआईपी पार्टी के कार्यकर्ता को नहीं दी गई, बल्कि अब तक बीजेपी के सदस्य और कार्यकर्ता रहे और नेता रहे रामचंद्र सहनी को ही वीआईपी में शामिल कराकर वहां से रामचंद्र सहनी को टिकट दिया गया है। अगर बात करें इस सीट की इतिहास की, तो यहां से राजद हमेशा ही दूसरे नंबर पर रही है, लेकिन जीत कभी भी नहीं पाई है। यानी कि इस सीट पर राजद का कभी भी खाता ही नहीं खुला है। अब देखना होगा कि इस बार जब चुनाव होंगे, तीसरे चरण में सुगौली में चुनाव होना है, यानी कि 7 नवंबर को यहां पर चुनाव होगा, तो जनता किसे चुनती है? क्या एक बार फिर एनडीए के प्रत्याशी को ही विजयी बनाकर विधानसभा पहुँचाती है, या फिर राजद का यहाँ पर खाता खुलेगा? अब तक तो नहीं खुला है, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि लड़ाई यहाँ पर एनडीए वर्सेस महागठबंधन है। और देखना होगा कि जब वीआईपी में शामिल होने के बाद रामचंद्र सहनी को क्या वही जनसमर्थन मिलता है जो पहले उन्हें बीजेपी के
प्रत्याशी के तौर पर मिलता था। हालांकि जब 10 नवंबर को परिणाम आएंगे तो पता चल जाएगा कि जनता का समर्थन किसे इस बार मिला है। फिलहाल के खबरों में इतना ही। खबरों में लगातार बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं। धन्यवाद।